कुछ ही दिन पहले बना है, बताते मेरे को सही है, अभी कुछ दिन पहले ही रास्ता बना है। और ये हालत है उस रास्ते की, ऐसा तो लग रहा है कि गड्ढे में रास्ता है कि रास्ते में गड्ढा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। यहां मेरे को मालूम हुआ कि खाली ये लोग नहीं कर रहे भ्रष्टाचार, पर यहाँ एक मुख्यमंत्री का बेटा भी है, वैभव गहलोत है नाम उसका, और उसके साथ साथ कोई ओम कोठारी भी है, और इन दोनों ने कोई एक कंपनी बनाई है, और ये दोनों जन मिलके उनकी कंपनी के द्वारा बड़े बड़े टेंडर लेके और रोड राजस्थान के बना रहे हैं। और अगर इस यही हालत हो जाती है वो रोडों की, तो भगवान मालिक है कि इन लोगों ने कहां कहां ठेके लेके और कहां कहां लोगों का नुकसान किया होगा। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने इस तरीके का लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, जिन लोगों ने 5 साल वादा करके वादा खिलाफी की है, जिन लोगों ने अपने मकान बना लिए, देवी के मंदिर की जो भूमि है उसके ऊपर आप लोगों ने माइंस दे दिए, ऐसे लोग जनता के नाराजगी से बच नहीं सकते, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। भाइयों यही नहीं है, जो मेरे को दुख है वो बहुत दूसरा है। मेरी माता बहनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर हम लोग महिलाओं को पूछते थे, आपके इतिहास के अंदर हमारी महिलाओं का नाम सबसे ऊपर है, आज राजस्थान के इतिहास के ऊपर कलंक लग गया है, इसलिए लग गया है कि हमारी माता और बहनों को के साथ जिस तरीके से अत्याचार और दुराचार ये 5 साल के अंदर हुआ है वो कभी नहीं हुआ। और मैं ये कहती हूँ भाइयों कि जो लोग अपने घर की आबरू को नहीं बचा सकते, जो हमारी माता बहनों की इज्जत को सुरक्षित नहीं रख सकते, वो आगे परिवार चला ही नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं होगा। जब उन्होंने मूक बधिरों को नहीं छोड़ा है, जिनके कान से सुनने को नहीं होता, जो मुंह से बोल नहीं सकते, ऐसी बच्चियों को जब नहीं छोड़ा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय के अंदर उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। सब लोग इकट्ठा होके ऐसे लोगों को परेशान करके उस कुर्ती से उठाने का काम करेंगे जिन लोगों ने इस तरीके से हम लोगों की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया। आपको याद है ये पहली बार नहीं है भाइयों, अजमेर कांड कोई भी महिला इस इलाके की भूल नहीं सकती है, वो याद है आप लोगों को। यही अशोक गहलोत, यही रघु शर्मा, यही लोगों का नाम उसके साथ बंधा हुआ था, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। मैं उसको नहीं भूलूंगा, कोई नहीं भूल सकता है, क्योंकि अजमेर के ऊपर जो कलंक लगा है वो इन लोगों ने किया है। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ उसका बदला चुकाना है हमको। आज जो आप शत्रुघ्न को जिताने जा रहे हो, ये सब लोगों का बदला चुकाने का काम ये आप एक एक व्यक्ति कर रहे हो, ये मान के चलना। इसमें आप हमारी भी इज्जत का एक किस्म से आप संभाल कर रहे हो। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर इस व्यक्ति ने जिस तरीके से भाषण देके, जिस तरीके की असभ्य भाषा को इस्तेमाल करते हुए, मैं कह रही हूं हमारी सबकी इज्जत आपके हाथ में है। जिन व्यक्तियों ने यह काम हमारे साथ किया, हम लोगों को विधानसभा के अंदर नहीं छोड़ा, बाहर अजमेर में नहीं छोड़ा, यहाँ केकड़ी में नहीं छोड़ा, ऐसे व्यक्तियों के साथ बदला लेने का काम भाइयों आप लोग करने वाले हो, ये हमारी इज्जत आप लोग सबके हाथ में है। और मैं विश्वास करती हूँ कि महिलाओं की इज्जत, हम सबकी इज्जत को बचाने का काम आपको 1 तारीख को उस कमल के फूल को दबा के और भारी बहुमत से पार्टी को जिता के करोगे, ये मैं विश्वास आप लोगों के सामने करने आए। जाओ, हमें तो यहाँ के काम से मतलब है। आप लोग 5 साल निकल गए भाई, इन 5 साल के अंदर आप मेरे को ये बता दो कि इस कांग्रेस ने आपकी कोई सुध ली है तो? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना काम किया है। आप अशोक गहलोत की ले लो या रघु शर्मा की ले लो, आपकी नहीं का भी नाम इनमें से ले लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इन लोगों ने क्या किया है। और जब आप राहुल गांधी की बात करते हैं, तो जो व्यक्ति ये कह सकता है कि हमको कल से मतलब है, हमको आज से मतलब नहीं, और विपक्ष आज से मतलब रखता है वो कल से मतलब नहीं रखता, ऐसे व्यक्तियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने
दिया, पूरे देश को झांसा दिया, आपका कल 65 साल के बाद नहीं आया है। ऐसे कांग्रेस पार्टी को एक मिनट के लिए भी उस कुर्सी पे हमें नहीं रखना है। झूठ बोलते हैं, काम नहीं करते, कहा गया आपका। और हाँ, ये सही है कि आपके कल के ऊपर हमारा भरोसा नहीं, जो कल हो सकता था वो आज करके चाहिए हमारे लोगों को, और जो आज हो सकता था वो अभी चाहिए हमारे बच्चों को। और हम सभी जानते हैं कि सब लोग जब इसके ऊपर ध्यान देंगे तो हम अपने प्रदेश को आगे ले जा सकेंगे, नहीं तो 4 साल आम आराम से। और ये कांग्रेस पार्टी को मैं आपके सामने आज ये बोलना चाहती हूँ कि ये सब बातों को जनता ने देख लिया है। अब जनता के पास समय नहीं है। और भाइयों, मैं माता बहनों को कहना चाहती हूँ कि जाते जाते पिछले बार मैंने एक लाइन घरेलू लाइन करके राजस्थान के इतिहास में पहली दफा घरेलू बिजली देने का काम किया था, और जाने से पहले 22 घंटे बिजली आपको लाने का काम किया था। मैंने ये सोचा कि अगर 22 घंटे बिजली हमने ला के दे दिया है तो 5 साल के अंदर 24 घंटे कर देंगे ये लोग, परंतु 24 घंटे तो भूल जाओ, 8 घंटे और वो भी ट्रिपिंग के साथ आपको घर में मिला। मैं सब माता बहनों को ये वादा करके जा रही हूँ कि आने वाले समय के अंदर आपको 24 घंटे घरेलू बिजली मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम देखे करके देंगे। हमारे बच्चों को वादा किया था इस कांग्रेस पार्टी ने कि हम 10 लाख बच्चों को नौकरियां देंगे, नहीं दी, और उनको टैक्स में फंसाया और उनको जाके कोर्ट में फंसाया। मैं सबको बच्चों को कहना चाहती हूँ कि 15 लाख 10 लाख तो हमने दे दिया था, अब 15 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम, और वो भी टैक्स को अलग करके और आरपीएससी के द्वारा जिस तरीके से पहले दिया था वैसे हम देने का काम आप लोगों को कैसे करेंगे। ये सरकार आपकी सरकार है, ये पैसा आपका पैसा है। हम लोग राज करने के लिए नहीं, आपकी सेवा करने के लिए आप लोगों के सामने खड़े हैं। और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ना मैं, ना शत्रुघ्न, ना पार्टी आपके सामने खड़ी हो सकती थी अगर आप लोगों ने अपना प्यार और अपना साथ हमें नहीं दिया होता। इसीलिए हम संकल्पबद्ध है कि सरकार हमारी बनती है तो हम आपके लिए काम के लिए पूरी तरह से जुटेंगे। 5 साल भी हमारे लिए कमी होंगे पर एक एक घंटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से हमने किया था, और आप लोगों के काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। संकल्प पत्र के अंदर मैंने ये भी लिखा कि किसानों को 1% की दर पर खेती बाड़ी के लिए कृषि ऋण देने का हम लोग काम करेंगे। पंजीकृत बेरोजगार जो नौजवान है हमारे, उन लोगों को सरकारी गारंटी पर 3% ब्याज और 20 लाख रुपए का ऋण हम लोग अपने नौजवानों को देने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने यह कहा कि जो बेचारे किसान आज रात के 12-12 बजे जाके अपने खेत में खड़े होकर पानी देते हैं, उनको ना बिजली सही टाइम पे, ना पानी सही टाइम पे, पेट्रोल और डीजल के दाम कहां से कहां बढ़ गए, खाद और बीज सही टाइम पे मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो महंगा है, और ज्यादा से ज्यादा तो नकली भी मिलता है। इन सब बेचारे किसानों को हमने तय किया कि खेत के ऊपर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी, और 1 लाख रुपए अगर कोई घायल हो गया तो उसको 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। इस कांग्रेस के साथ भाइयों, इस कांग्रेस के साथ महंगाई चढ़ के आती है। जब भी इनकी सरकार आती है तो आप देखोगे, अटल जी की सरकार आई महंगाई नहीं गई, सोनिया की सरकार आई तो महंगाई आई, अशोक गहलोत की सरकार आई तो महंगाई आई। आज मैं सब लोगों को पूछती हूँ, आप लोग बाजार में जाती हो तो प्याज आपके कहां से कहां पहुंच गया, पुदीना कहां से कहां पहुंच गया, आपके टमाटर कहां से कहां पहुंच गया, और कुछ और हमारे जले के ऊपर नमक जो छिड़कने वाला होता है वो भी महंगा हो गया, वो भी आदत खराब करके रख दी है। मैं पूछना चाहती हूँ इस महंगाई में गरीब आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा, कैसे जिएगा? ये इसलिए नया राजस्थान बनाने का है सोच। इस नए राजस्थान के अंदर जब भी कोई बहुत बड़ी बात ऐसी होती है तो युवा शक्ति आगे चलती है, आपने देखा होगा। इसलिए मेरा आह्वान है मेरी युवा शक्ति को कि आप लोग आगे चलेंगे, महिलाएं साथ साथ चलेंगी, और ये पूरा प्रदेश एक साथ और एक आवाज में लड़ाई लड़ेंगे हम लोग गरीबी के खिलाफ,
लड़ाई लड़ेंगे हम मिलके विकास की लड़ाई, और इसीलिए लड़ाई हम सबकी एक है, इसमें कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं, हम सब एक साथ मिलके अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मंजूर है? मंजूर है? इन दुष्टों को हटाना ये मंजूर है? याद रखना, इनने कौरवों की आर्मी बहुत बड़ी बड़ी सेना सामने खड़ी की है। कांग्रेस अशोक गहलोत की, कांग्रेस बा आपकी बा गंगानगर की, कांग्रेस सी आपके सवाई माधोपुर की, कांग्रेस डी आपके बागियों को पैसा दे दे के खड़े हो जाओ, पार्टी को किसी तरह से नुकसान दिलवाओ। आपको नीचे से, अंदर से, ऊपर से पैसे दे दे के और इन लोगों ने आपको प्रोत्साहन करने की कोशिश की है। इस बार जनता समझ गई है, एक तरफ है कौरवों की सेना और दूसरे तरफ है ईश्वर का आशीर्वाद और जनता का प्यार, और हम लोग मिलकर लड़ेंगे। तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि ये विजय